वाह 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 सीता जी वाह, क्या बात है। इन गहनों से तो आपकी खूबसूरती और भी निखर आई है। इतना भी मक्खन ना लगाया कीजिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप उनकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। भाई यही तो हमारा काम है। लेकिन इस बार जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, कसम से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दिखाएंगे क्या? हीरे। इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये है रॉ अनकट डायमंड, बिल्कुल प्योर कच्चा माल, जैसा खदान से निकला वैसा आपके सामने। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देर किस बात की है, दिखाइए फिर। अरे भावेश, कहाँ थे इतनी देर? सॉरी सर, मैं जरा काम से गया था। अच्छा एक काम करो, स्टोर में जाओ और वो अनकट डायमंड्स का पैकेट है वो लेके आओ। क्वालिटी सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट की आप चिंता मत कीजिए मैम, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आप तो बस ले जाइए। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूं सर। करोड़ों के हीरे छोड़ के इतने सारे बंदर, ओ गॉड, ये क्या है? तो बोलो कि यहाँ पे फ्लैश मॉब डांस चल रहा है, कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। जी मैडम। जिनके इनॉग्रेशन के लिए इतना सब कुछ और वो भी मॉल में? सर वहां बंदर नहीं था, खाली डांस हो रहा था। सर कहाँ चले गए? खून 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 सर सर, खून हो गया, खून 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 हो गया, खून 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 हो गया, खून हो गया, खून हो गया, खून खून। क्या हुआ क्या हुआ? खून सर, वो एवी ज्वेलर्स में किसी ने भावेश सर को मार दिया। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सारे एग्जिट डोर क्लोज कर दो, कोई भी इस मॉल से बाहर नहीं जाएगा जब तक खून ही पकड़ा नहीं जाता। चलो He's dead. हीरे भी गायब है। लेकिन आनंद जी कहाँ है? आनंद जी, आनंद सर, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। Oh my God, ये रहे। बेहोश है लेकिन जिंदा है। हेलो सर,
सर मैं सर इस मॉल का मैनेजर मनीष हूँ सर। मैंने आपको फोन करके बुलाया था यहाँ। क्लैश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने किसी को भी किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया। ठीक है बेटी पंकज, यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी के साथ रहो और यहाँ मॉल से किसी को भी बाहर जाने मत देना। जितने भी लोग हैं उनके नाम नंबर्स लो और तलाशी लो उन सबकी। और वो जो बंदर के गेटअप में डांसर्स थे सर, मैंने उन सबको अपने केबिन में बंद करके रखा हुआ है और उनके साथ दो गार्ड्स भी हैं जैसा आपने फोन पर कहा था। ओके मैं मिलता हूँ उन लोगों से। ठीक है। और ये भी ज्वेलर्स शोरूम कहाँ पर है? हाँ सर ये आपको बता देंगे। चलिए बेचारा मेरा एम्प्लॉई खून हो गया सर उसका, और मेरे करोड़ों के हीरे सर चोरी हो गए। कुछ कीजिए सर। देखते हैं, आप लोग यहीं पे रुकिए। रॉड से सर पे कई बार वार किया गया है। आनंद जी जरा अंदर आइए। यस सर। जी सर। क्या चोरी क्या क्या हुआ यहाँ पे? और तो कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ वो अनकट डायमंड्स चोरी हुए हैं, करोड़ों रुपए के थे। कहाँ पे? वहीं पे वो ट्रे में रखे हुए थे। सर लगता है खून सिर्फ अनकट हीरो के लिए हुआ है, क्योंकि बाकी सारी ज्वेलरी तो वैसे ही है। कितनी बेरहमी से बेचारे को मारा। आप यहीं पर थे जब ये सब हुआ? जी हाँ मैं यहीं पर था। वो अनकट डायमंड्स मैंने आशिता जी को दिखाए, उन्होंने पसंद भी किए, और ये भावेश स्टोर में गया डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। मैं तब तक वो उस तरफ मुंह करके वो नेकलेस ठीक कर रहा था, उतने में मुझे आशिता जी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुरंत मुड़ के देखा तो एक बंदर के भेस वाला आदमी उनकी हैंडबैग लेके भाग रहा था, और वो उसके पीछे पीछे भागी चिल्लाती हुई। तो मेरे दो एम्प्लॉय स्कूल और समारा वो भी उसके पीछे पीछे भाग गई। सुनकर शायद भावेश अंदर से बाहर आया देखने के लिए, और वो भी जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं तुम यहाँ दुकान में रहो, देखो ये सब ज्वेलरी बाहर पड़ी है, इनका ध्यान रखो। मैं स्टोर रूम में जाकर थोड़ा काम है वो करता, मैं अंदर था ही सर कि मुझे बाहर से शोरगुल की आवाज आई। मैं तुरंत बाहर आया तो देखा कि भावेश मरा पड़ा है, खून में लथपथ, और यहाँ वो बंदर के भेस वाला आदमी खड़ा है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे यहाँ मारा और भाग गया। पर मेरे करोड़ों के हीरे चुरा के भाग गया सर। बंदर के भेस में आदमी, ये सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया फूनी ने? हाँ जी सर। हम इसकी फुटेज देखना चाहते हैं टूटने से पहले की। जी सर। Thank you.
सर क्या है? एक मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से ही कोई एक खूनी है और जब तक वो हमें नहीं मिल जाता प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए, समझे? अगर सर कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? उस वक्त सब लोगों ने मास्क पहन रखा था और हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं है। क्या? हाँ सर। आप लोग, आप एक दूसरे को नहीं जानते? हाँ सर, हम सब एक ग्रुप के नहीं है। आप लोग एक ग्रुप के नहीं है और फिर भी एक साथ? सर सबसे पूछताछ कर ली, नाम और एड्रेसेस भी ले लिए सर सबके। ठीक है, जरा इन सब की तलाशी लो, देखो हीरे कहाँ है। अजीब, जब उसने हीरे चुराए लिए थे फिर उसने कैमरा क्यों तोड़ा? जनरली मुजरिम जुर्म करने से पहले कैमरा तोड़ते हैं, इसने बाद में तोड़ा। और दूसरी बात यह है कि उसने कैमरा ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसे पता था कि कैमरा कहाँ है। सर यानी कि या तो उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया था या फिर शायद कोई अंदर वाला ही है। अंदर वाला? हम खुद अपनी दुकान की चोरी थोड़ी ना करवाएंगे। नहीं मैम, अंदर वाला है या बाहर वाला है वो तो सामने आ ही जाएगा। सर एक और बात, जब उसने बंदर वाले नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था तो फिर कैमरा तोड़ने की क्या जरूरत? हो सकता है उसे ये लगा हो कि कैमरा तोड़ने से रिकॉर्डिंग मिट जाएगी, पर ऐसा तो है नहीं। एक काम करो, इस शोरूम को सील कर दो और आप और आपका पूरा स्टाफ यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। मगर सर जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त तो हम उस बंदरपोश वाले आदमी के पीछे भाग रहे थे, फिर आप हम पे क्यों शक कर रहे हैं? जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता सीआईडी के शक के दायरे में हर कोई रहता है। अब फिलहाल शक की सुई अटकी है उन बंदर के भेस में आए हुए डांसर्स पर। हिसाब से तो हीरे इन्हीं में से किसी एक के पास होना चाहिए। तलाशी चल रही है, अभी तक तो मिला नहीं। सर हीरे किसी के पास भी नहीं है। यहाँ भी सर किसी के पास नहीं। और किसी के कपड़ों में कोई खून वगैरह? नहीं सर। हीरे इनमें से किसी के पास नहीं है तो फिर रहेगा कहीं इस कमरे में तो? सर चोर या खूनी नहीं है, डांसर है। सर ये गलत है, मतलब जब तक मुजरिम मिलेगा नहीं तब तक हम लोगों को बिठा के रखेंगे आप? सर प्लीज सर, सर अब तो जाने दीजिए। आप लोग यहाँ बंकिंग अराउंड जिम के लिए ये डांस परफॉर्म करने आए थे ना? यस सर। किसने बुलाया था आप लोगों को यहाँ पे? सर हमारे मोबाइल फोन पे एक मैसेज आया था। दिखाओ जरा। सर यहाँ है मोबाइल। कौन सा मोबाइल है तुम्हारा? ये। जिम के मालिक विशाल कुमार ने दो दिन पहले मैसेज किया था और साथ में ये वीडियो भी सेंड किया था कि इस तरह डांस करना है। सर हमारे अकाउंट में एडवांस में भी पैसे आ गए थे।
सर इसी नंबर से हमें मैसेज भी आया था कि मॉल के मेन टॉयलेट से अपने अपने मंकी सूट्स लेके मॉल में उधम मचा ले और सब लोगों के बैग वगैरह छीन ले के बाद वहाँ पे डांस कर ले। सर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। नाम क्या बताया जिम के मालिक? विशाल कुमार। मनीष जी आप तो जानते होंगे विशाल को। हाँ सर, मंकिंग अराउंड जिम के मालिक हैं विशाल जी। सर बुलाइए उनको। जी सर। पंकज, इस मॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबके फुटेज ले लो। और पूर्वी, इन सबके अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आए हैं उस अकाउंट के बारे में पता करो सर। सर रेडी, इन सबको जरा दूसरी जगह लेके जाओ। चलिए चलिए सर भाई, ले जाओ इनको। इस कमरे को भी अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, क्या पता यहां कहीं छुपा दिया। हॉल में चोरी हुई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों रोका है? चोरी नहीं, खून भी हुआ है, और जब तक खून ही पकड़ा नहीं जाता तब तक ये लोग हम लोगों को जाने नहीं देंगे। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकली थी घर से, जो इस मॉल में आके फंसना पड़ गया। हाँ विशाल जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, ये फ्लैश मॉब डांस का? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई फ्लैश मॉब डांस नहीं करवाया मॉल में, और सर मेरा जिम तो चालू होने से पहले ही उसकी बुकिंग फुल हो चुकी है, तो मुझे क्या फायदा होगा ये पब्लिसिटी का? और वैसे कई सारे ब्रांच है मेरे शहर में। ये देखिए जी, ये आपके नंबर से डांसर्स को ये वीडियो और मैसेज कैसे गया? सर ये मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर है 1984563241। तो हो सकता है ये मैसेज आपके किसी स्टाफ वाले ने भेजा? नहीं सर, किसी का भी नहीं है, ये जरूर कोई और है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग टेलीकॉम कंपनी से ये नंबर चेक करवाइए ना। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा आपके नाम के आड़ में? ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं है सर, लेकिन सक्सेस को देखकर अगर कोई बन गया होगा तो पता नहीं। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। और हाँ, शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। थैंक यू। रेडी, इसका नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, और ये जिस नंबर से डांसर्स को मैसेज आया है ना, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और मनीष जी, उस आदमी को भी बुला लो जिसने म्यूजिक ऑन किया था डांसर्स के लिए। हेलो, हाँ जरा ये सुरेश को ढूंढो, ये सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। हेलो सर, सर मॉल के सारे सीसीटीवी फुटेज रेडी है। ठीक है, हम लोग आते हैं। जरा रिवाइंड करना, स्टॉप। ये आदमी लास्ट मिनट में आया यहाँ पे। मतलब सर यही है हमारा मुजरिम, ये पीसवा डांसर? सर कहीं ये वो आदमी तो नहीं जो अशिता का बैग लेके ज्वेलरी स्टोर से भागा था? नहीं पंकज, ये वो आदमी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे अशिता और ज्वेलरी स्टोर का स्टाफ भागा था। बीसवा आदमी कोई और ही है। सर ये वही आदमी है जो डांस के दौरान ज्वेलरी स्टोर में गया, इसने भावेश का खून किया, कैमरा तोड़ा और फिर हीरे लेके भाग गया। लेकिन फिर हीरे गए कहाँ? हमने इन सबकी तलाशी ली थी, हीरे तो मिले नहीं। हीरे कहीं छुपा दिए होंगे उसने, या फिर किसी को दे दिए होंगे। उसके पास तो टाइम था नहीं, उसे तो फ्लैश डांस, वो क्या है पंकज, फ्लैश मॉब। हाँ, वो फ्लैश मॉब डांस में हिस्सा लेने जाना था ना उसे। सर जो हीरे हो तो डांस के बाद भी छुपा सकता है ना वो। नहीं, मैनेजर साहब के हिसाब से डांस खत्म होने के बाद ये सारे डांसर्स मॉल में ही थे, और उसके बाद सिक्योरिटी ने इन सबको मैनेजर के कैबिन में बंद कर दिया था। हमने कैबिन की तलाशी तो ली, वहाँ पे कोई हीरा वीरा तो नहीं मिला। कहीं ये ज्वेलरी शॉप और ये डांस जहाँ पे हुआ इसके बीच में कितनी दूरी होगी? करीब 70 से 75 मीटर के आसपास। 70-75 मीटर, काफ़ी दूरी है। इस बीच में हीरे कहीं छुपा सकता है वो। पूर्वी, वो बीच का जितना रास्ता है उसका फुटेज चेक करो जरा। सर
हाँ यहाँ पे फेंका है उसने कुछ। रिवाइंड रिवाइंड स्टॉप। देखा क्या आदमी है सर, गंदे पानी में पूरे हीरे फेंक दिए। लगता है हाउसकीपिंग स्टाफ से उनका हालचाल पूछना पड़ेगा। हमारे आने तक कोई भी सामान इधर से उधर तो नहीं हुआ था। मैडम जैसा आप लोगों ने फोन पे कहा था वैसे ही हमने मॉल में किसी भी चीज को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। और ये मंगल है, ये ड्यूटी पर है आज। जी मंगल। जी सर। इस तरफ पहुंचे की बाल्टी कहीं पे भी रख के चले जाते हो हैं? नहीं सर, वो अचानक मॉल में डांस होने लगा तो मैं देखने चला गया। राजू भी मेरे साथ था। राजू बोलना। हाँ सर, ये सही कह रहा है। वाह, गवाह भी तैयार है और ये बाल्टी, ये भी एकदम सही जगह रखी है हाँ, ताकि खूनी ज्वेलरी शॉप में खून करे, चोरी करे और फिर यहाँ से भागते हुए हीरे इस बाल्टी में डाले और फिर जाके डांस फ्लोर ज्वाइन कर ले। क्यों? अगर खूने ने हीरे उस बाल्टी में डाले हैं तो जरूर उसका कोई ना कोई दूसरा साथी होगा जो वहां पे आया होगा, बाल्टी से हीरे निकाल के ले गया होगा। पंकज फॉरवर्ड करो, देखो बाल्टी के पास कौन आता है। इस बकेट के आसपास तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो हीरे अभी भी बकेट में होंगे। हीरे तो बकेट में नहीं है, कहाँ गायब कर दिए तुम लोगों ने हीरे? सर मैंने कहा ना कि हीरे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे ही मॉल में डांस शुरू हो गया मैं डांस देखने चला गया। उसके बाद मनीष जी ने बोला कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। तो तुम दोपहर 12 बजे क्यों पोछा लगा रहे थे, वो भी इसी कॉरिडोर में? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। दोपहर को 12 बजे पोछा क्यों लगा रहे थे? साहब अपना काम सही तरीके से करना क्या गलत बात है साहब? मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा था साहब कॉरिडोर की। कॉरिडोर की सफाई कर रहे थे या हीरों की? साहब कॉरिडोर की साहब। अच्छा, ये दिन में दो बार सफाई हर रोज होती है या आज कुछ खास बात? ये भावेश जी खुद तो मर गए और मरने से पहले मुझे फंसा कर चले गए। भावेश? ये भावेश का क्या लेना देना इससे? साहब वो भावेश जी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स गिर गई थी। मंगल, मंगल। जी सर। हाँ सुनो एक मिनट प्लीज, सॉरी यार मुझसे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, जरा प्लीज साफ करवा दो ना। मैं कर देता हूँ सर, अभी कर देता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं साहब। सर ये सुरेश है, किसी ने आज म्यूजिक ऑन किया था लेकिन पता नहीं क्यों ये बाथरूम में छुपा हुआ था। नहीं सर छुपा हुआ नहीं था, वो मेरा पेट थोड़ा खराब है और फिर कभी भी जाना पड़ सकता सर, वो बस। पेट तो खराब होगा ही, पुराने पापी जो हो। हा? पुराना पापी तुम इसे जानते हो? हाँ सर, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। अरे नहीं सर, मैं इतना बड़ा भी पापी नहीं हूँ। वो क्या है सर कि एक आध बार मैं जेब कतरी के इल्जाम में अंदर गया था, इसलिए मैं जानता था सर कि इसमें सबसे पहले मैं ही फंसूंगा, इसीलिए पेट खराब हो गया था। ये म्यूजिक चलाने के लिए पैसे किसने दिए थे, विशाल ने? नहीं सर, विशाल जी ने नहीं दिए थे। तो फिर किसने दिए थे पैसे? वो भावेश जी ने दिए थे सर। मगर भावेश जी तो ज्वेलरी स्टोर में काम करते थे, वो जिम का प्रमोशन क्यों करेंगे? सर ये तो मैंने कभी पूछा नहीं, अब बस जितना कहा उन्होंने मैंने किया सर। सुरेश ये म्यूजिक ठीक 12 बजे प्ले कर, बता कितने बजे? 12 बजे। गुड। कमाल है, जो आदमी मर चुका है सारा इल्जाम उसके सर पे डाल दो, अपनी सफाई देने के लिए वो वापस आने वाला तो है नहीं। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर। भावेश हा? कमाल है यार, जिसको देखो वो भावेश का ही नाम लिया जा रहा है। अभिजीत अगर वो बंदर वाला कॉस्ट्यूम वहाँ वॉशरूम के अंदर था तो किसी ने तो वहाँ रखा होगा। मॉल के मेन टॉयलेट से अपने अपने मंकी सूट्स लेके मॉल में उद्यम मचा ले और सब लोगों के बैग वगैरह छीन ले के बाद वहाँ पे डांस कर ले।
कहीं भावेश तो नहीं? भावेश ही वो कॉस्ट्यूम लेके आया हो। ये सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाएगा। पता करते हैं भावेश मॉल में कितने बजे आया। आया तो वो बैग वैग लेके आया क्या, है ना? आनंद जी के हिसाब से वो मॉल के अंदर सुबह 10 बजे आया था और उसके बाद किसी काम से वापस चला गया और बाद में वो 12:15 बजे के करीब वापस आया। हेलो, हाँ, ओके ओके ओके, थैंक्स सर। जो 20 डांसर्स के मोबाइल पे मैसेज और वीडियो आया था वो भावेश के मोबाइल से आया था। उसने 2 दिन पहले नया सिम कार्ड खरीदा था। यहाँ पे भी भावेश। अच्छा, पूर्वी वो अकाउंट नंबर के बारे में पता चला जिसने सारे डांसर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे? सर, वो अकाउंट नंबर मैंने बैंक्स में भेज दिए हैं, अभी तक कोई रिवर्ट नहीं है। मैं फिर से चेक करती हूँ। चलो भावेश की फुटेज चेक करते हैं। मतलब ये कि खूनी ने इस रॉड से भावेश की खोपड़ी पर 5 बार वार किया। ये देखो, ये 5 जख्म के निशान, इसमें से 4 जख्म के निशान तारिका बहुत ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि ये जो निशान है ये गहरा नहीं है, हल्का है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो मुजरिम ने बस एक ही बार वार किया हुआ दिखता है। सीसीटीवी फुटेज में एक ही बार वार किया है, इसका मतलब ये है वो वार जो हल्का है, गहरा नहीं। खूनी ने एक बार वार किया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और निकलने लगा, लेकिन ये भाई साहब खड़े हो गए, मरे नहीं। खूनी ने देखा ये तो खड़ा हो गया, तो फिर उसने रॉड उठा करके इस पर दमादम 4 बार बहुत जबरदस्त तरीके से वार किया, फिर ही खड़े नहीं हुए। सही है, ऐसा हुआ होगा। चीटियां, इतनी सारी चीटियां हमारी लैब पे? हाँ, तारिका, चीटियां तो तभी आती हैं जब किसी किस्म की गंध या कोई स्मेल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हो। लेकिन इस हीरे के पाउच में ऐसा क्या है, इतनी सारी चीटियां ये अट्रैक्ट कर रहा है? ये तो पता लगाना पड़ेगा। इस पाउच को धोकर इसके पानी को टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कशिश थी इस पाउच में जिससे चींटियां इसकी तरफ आकर्षित हो गई। चींटियों की तो एक ही कशिश होती है, चीनी। तभी तो बेनेडिक्ट शुगर टेस्ट। की सूट ये भावेश ही लेकर आया था, सारी प्लानिंग इसी की लगती है। अगर ये भावेश ही मास्टरमाइंड है तो ऐसा लगता है कि उनके प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसका खूनी इन 20 डांसर्स में से कोई एक है। लेकिन वो
हो कौन सकता है? हो सकता है कि वो डांसर हो ही ना। क्या मतलब सर? एक काम करते हैं, इन डांसर्स को फिर से डांस कराते हैं। सर पहली बार कोई मिस्टेक कर दी उन्होंने? यही तो पता करना है। इस डांसर्स के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आए थे वो अकाउंट एक लड़की का है, उसका नाम कावेरी है। और सर हैरानी की बात ये है कि ये भावेश की गर्लफ्रेंड है। यहाँ भी भावेश? हाँ सालों के साथ। क्या? हे भगवान, मैं तो इस मॉल में आके फंस चुकी हूँ और पता नहीं उस सीआईडी कब आएंगे और उस खूनी को पकड़ेंगे। देखिए मैडम, खूनी को ढूंढने में और घर में मोजे ढूंढने में फर्क होता है, जरा धीरज रखिए प्लीज। अरे क्या धीरज रखूं? ऊपर से सीआईडी फोन भी लेके चले गए। अरे कम से कम उनको कह के फिर से डांस ही दिखा दीजिए, नहीं तो अरे थिएटर खोल के फिल्म ही दिखा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सीआईडी ने पूरा मॉल सील कर दिया है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। अरे जाओ, यहीं पर रहना होगा। Excuse me everybody, CID, आप लोग पीछे जाइए। आप सब यहाँ पीछे आ जाइए। चलिए चलिए पीछे जाइए। आप भी सब यहाँ आ जाइए। Come on everybody, सब लोग इधर आइए। सब यहाँ आ जाइए। आप लोग जिस पोजीशन में थे, जिस तरीके से डांस कर रहे थे, वैसे ही करेंगे। आप जरा इधर आइए। सुंदर, तो तुम हो खूनी? सर खून मैंने नहीं किया है सर। ए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, समझे? सर आपको कैसे पता है कि खून मैंने ही किया है? तुम्हारा बेताला डांस देखकर, सब डांस अलग कर रहे थे और तुम्हारा अलग ही चल रहा था, हैं? साफ पता चलता है कि डांसर तो नहीं हो तुम एक चोर हो जिसने खून किया। सर आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसा रहे। किसके कहने पे किया? भावेश। भावेश, भावेश तुम्हें पैसे देगा अपना खून करने के लिए, हैं? सर, सर मैं चोरी करने गया था सर। भावेश ने कहा कि उस समय मॉल में बंदरों का डांस चल रहा होगा, एवी ज्वेलर्स में एंटर करने के बाद वहां तुझे सिर्फ मैं मिलूंगा, तो पीछे से आके मेरे सर पे वार करना। सामने एक ब्लैक ट्रे में हीरे रखे होंगे, लेकिन निकलने से पहले एक बात का ध्यान रखना, एक सीसीटीवी कैमरा है उसे तोड़ना मत भूलना। उसके बाद तुझे उस दुकान से निकल के बाहर कॉरिडोर में एक वो मॉप बकेट रखी होगी, तुझे सारे हीरे जाके उस बकेट के अंदर डालना है, और बाद में जो बंदरों वाला डांस ग्रुप चल रहा होगा उन्हें ज्वाइन कर लेना, तेरा जो भी हिस्सा है तुझे मिल जाएगा। सर शायद वो रॉड गलती से उसे जोर से लग गई और वो मर गया। गलती एक बार होती है, चार बार नहीं। भावेश के सिर पर एक नहीं, चार बार किए गए हैं। चार बार? सर मैंने तो लेकिन सिर्फ एक ही बार मारा था सर। क्या? मगर हीरो के पाउच में ये चीनी कैसे आ सकती है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर हीरे हीरे ना हो, शक्कर के टुकड़े हो तो? क्या वो हीरे नकली थे? चीनी के टुकड़े थे वो? बिल्कुल। मतलब अशीता लाखों रुपए की चीनी खरीदने वाली थी और इस चीनी की वजह से भावेश की जान भी चली गई। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर कि आपके जांच में कुछ गड़बड़ नहीं है? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई दया, वो शक्कर ही थी।
इसीलिए तो फ्रेडी को उस पोचे वाली बाल्टी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि हीरे थे ही नहीं, शक्कर थी जो पानी में घुल गई। गहनों की दुकान में हीरों की जगह पे चीनी। हाँ दया। अभिजीत, ये केस पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। खूनी उन बंदरों में से कोई नहीं है। क्या सर, अब अगर सुंदर पकड़ा जा चुका है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खून इसने नहीं किया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुंदर मुजरिम नहीं है, मुजरिम है, लेकिन इसका अपराध सिर्फ इतना है कि इसने दुकान में चोरी की है और भावेश पे हमला किया है। भावेश की जान लेने वाला कोई और है। वो कौन है सर? बताते हैं, बस कुछ पलों की बात है, अभी खूनी सामने आ जाएगा। सुंदर, तुमने भावेश के सिर पे कितनी बार हमला किया था? सर, मैंने भावेश के सर पर एक बार हमला किया था और फिर कैमरा तोड़ के वहां से भाग निकला। और तुम्हारे जाने के बाद वहां पर असली खूनी आया और उसने भावेश के सर पे 3-4 तगड़े वार जड़ दिए। आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त दुकान में आपके सिवा तो कोई और था नहीं। नहीं सर, मैं तो दुकान में घायल पड़ा हुआ था क्योंकि ये सुंदर ने मुझ पर अटैक किया था। सर, सर ये झूठ कह रहे हैं सर, मैंने इन पे अटैक किया ही नहीं सर। अरे मैं क्यों झूठ कहूंगा, वो वैसे भी मेरे तो करोड़ों के हीरो का नुकसान हो गया। करोड़ों रुपए की चीनी, ऐसी चीनी की चाय पीने में बहुत मजा आएगा बॉस। यार मैं सोच रहा हूँ ऐसी एक शक्कर की दुकान मैं भी खोल लूँ, जहाँ सीता जैसे कस्टमर आए और शक्कर के कुछ टुकड़ों के बदले इतने सारे रुपए दे जाए। क्या वो हीरे हीरे नहीं थे, शक्कर के टुकड़े थे? जी हाँ, बहुत लंबी प्लानिंग की थी आनंद जी ने। पिछले ही मैंने दुकान का इंश्योरेंस डबल किया और अब दुकान में चोरी करवा दी ताकि आराम से माला माल हो जाए। बाय द वे मिस्टर आनंद, आपको एक बात बताना तो भूल ही गए, आपके जो असली अनकट हीरे घर में रखे हुए थे ना, वो हमने बरामद कर लिए हैं। मिस्टर आनंद, सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो और मैं क्या करता सर, नोटबंदी की वजह से मेरा पूरा धंधा ठप हो चुका था, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा था, इनकम का कोई जरिया ही नहीं। तब में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, अपनी ही दुकान में चोरी। भावेश, ठीक है? हाँ सर, लेकिन अगर जरा सा और जोर से मारा होता ना तो मैं तो और शक्कर ले गया। हाँ सर, ले गया, प्लान सक्सेसफुल। जा सब ठीक कर। जी सर। सॉरी भावेश। तुमने भावेश का खून कर दिया ताकि उसे उसका हिस्सा ना देना पड़े। तुम्हारे हीरे तो तुम्हारे पास ही थे, लेकिन चूंकि वो चोरी हो गए इसलिए इंश्योरेंस के पैसे भी तुम्हें ही मिलते हैं। सर, अगर भावेश का खून नहीं करता तो वो मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहता। प्लानिंग तो अच्छी की थी, डांसर्स ने तो मास्क लगाया हुआ था, कोई किसी को पहचानता नहीं था, वो डांस करते और चले जाते और फंसता भावेश, और भावेश को भी तुमने जिंदा नहीं छोड़ा कि वो कुछ बोल सके। हैं? तो प्लान तो फुल प्रूफ था, लेकिन अचानक वो वॉचमैन मेरी दुकान में आ गए, उसने भावेश की लाश देखी और शोर मचाना शुरू कर दिया, वहीं पे मैं फंस गया। साहब, साहब। हर मुजरिम यही बेवकूफी करता है, उसे लगता है कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है वो। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के सोचना, थोड़ी सी नुकसान वाली जिंदगी बेहतर थी या जेल की अंधेरी काल कोठरी?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.